नक्सलियों की कैद में रहा। 3 अप्रैल से नक्सलियों की कैद में रहा वीर जवान अपने कैंप में वापस लौट आया है। जूनागुड़ा में फोर्स और नक्सलियों की मुठभेड़ के बाद बंधक बनाए गए कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने छोड़ दिया। तर्रेम कैंप पहुंचे राकेश्वर सिंह मन्हास का जवानों ने भारत माता की जयघोष के साथ अभिनंदन किया। बंसल न्यूज की टीम भी नक्सलियों के गढ़ में पहुंची, जहां से राकेश्वर सिंह को रिहा किया गया। नक्सलियों ने ग्रामीणों की मौजूदगी में राकेश्वर सिंह को रिहा किया, जहां से बंसल न्यूज की टीम ने पल पल का अपडेट दिया। बंसल न्यूज के संवाददाता चेतन कापेवार ने पूरी बहादुरी के साथ अपनी बाइक पर राकेश्वर सिंह को नक्सलियों के गढ़ से लेकर सुरक्षित सीआरपीएफ के कैंप तक पहुंचाया। और उनका व्यवहार बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया से रखा। जनता ने सरकार के सामने हमने अपील रखा था हमें छोड़ने के लिए, उन्होंने छोड़ा है और आप उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी अपील को सुना है। और अपनी सरकार से भी हम यही है कि मध्य रास्ते भेज के उन्होंने हमें लेने के लिए यहाँ भेजे हैं। बाकी सबका धन्यवाद। आज थाना तरम के अंदरूनी क्षेत्र में जो आरक्षक राकेश्वर सिंह को सही सलामत जो रिकवर किए गए थे, तत्पश्चात उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बासागुड़ा फील्ड हॉस्पिटल में लेकर आया। अभी डॉक्टर द्वारा उनके स्वास्थ्य परीक्षण किए गए थे। वर्तमान में उनकी स्थिति सामान्य है, लेकिन लगातार 4-5 दिन से डिहाइड्रेशन एवं थकावट के कारण से उनके जो सामान्य उपचार की जा रही है और उस तत्पश्चात आगे जो कार्रवाई की जाएगी। नक्सलियों से बात करने के लिए कुछ सोशल वर्कर्स को भेजा गया था, जिनमें पद्मश्री धर्मपाल सैनी, गोंडवाना समन्वय समिति के अध्यक्ष तेलम बोराइया और साथ ही कुछ और लोग शामिल थे, जिनसे चर्चा के बाद नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को रिहा किया। बंसल न्यूज संवाददाता ने इस दौरान मौके पर मौजूद धर्मपाल सैनी से भी बात की। 3 अप्रैल की सुबह हुए मुठभेड़ के बाद जिस तरीके से 22 जवान हमारे शहीद हुए थे, उसके बाद उसी मुठभेड़ में जो राकेश सिंह मनहर है, उस जवान की नक्सलियों ने अपहरण कर ली थी। उस जवान की रिहाई के लिए इस वक्त आज हम मौजूद हैं इस जगह पर, जहां पर नक्सलियों ने आज उन्हें रिहाई दी है। मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर मध्यस्थता के लिए सरकार और पुलिस को एक बात कही थी, जब वो मध्यस्थता की टीम यहाँ पहुँचेगी उसके बाद उस जवान को रिहाई दी जाएगी। उस मध्यस्थता के लिए जो टीम आई हुई थी, उस टीम के जो लीड कर रहे थे, मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं धर्मपाल सैनी जी हैं, वे दो लोगों की टीम बनी हुई थी, और गोंडवाना समाज के जो बोरैया जी हैं वे भी यहाँ पर थे। हम सैनी जी से जानेंगे कि उस टीम के लिए वो पहुँचे थे और किस तरीके की रणनीतियाँ पहले से थी। सैनी जी बताएंगे कि आपको क्या पता था, आप इस जगह पर जो जवान की रिहाई के लिए इस वक्त आए हुए हैं, क्या आप जानते थे और कैसे रूट चार्ट तैयार किया गया था? सैनी जी, मुझे जो बताया गया था ये कि जो जवान गिरफ्त में आ गए हैं उनके लिए मध्यस्थता की वार्ता करने की आवश्यकता पड़ेगी और मध्यस्थता के लिए आवश्यकता पड़ेगी, पर ये मेरी बातचीत होने में मुझे 1.5 दिन लग गया। लेकिन जब मुझे अखबारों से सबसे मालूम पड़ा कि मुझे जो जवान उनके साथ हो गए, उनको पकड़ लिए गए हैं, उनके बारे में मध्यस्थता करनी है, तो मैंने सैर से अपनी अनुमति प्रदान की और फिर कल हम लोग निकले और निकल कर यहाँ तक आज आप लोग साथ में, पत्रकारों के साथ में यहाँ तक आए। और मुझे ये जान करके, ये दृश्य देख करके अच्छा लगा कि जो विश्वास दिलाया गया था कि मध्यस्थता अगर होगी तो हम लोग छोड़ देंगे, वो विश्वास पूरा हुआ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। और जो भाई राकेश्वर जी हैं वो बहुत एक तरह से चिंतित हैं अपने परिवार के लिए, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मुक्त होकर के अपने परिवार से बातचीत करना चाहेंगे, ऐसा वातावरण को जल्दी से मिल जाना चाहिए। सैनी जी, बिल्कुल आज एक ऐतिहासिक दिन है, बात करें तो अपन जिस तरीके से राकेश्वर सिंह जी को नक्सलियों ने रिहा किया है, क्या आपको पता था कि आपके साथ मीडिया की टीम आएगी और आपको मीडिया के लोग यहाँ पर लेके आएंगे, आप किस तरीके से जाएंगे, एक डर सा था होगा? नहीं, मुझे नहीं मालूम था नक्सलियों से मिलना है। नहीं, मुझे ये टीम आएगी ऐसा तो मुझे अंदाज नहीं था। मुझे अंदाज था कि गांव के लोग मुझे लेके जाएंगे।
तो ये थे धर्मपाल सैनी जी जो पद्मश्री हैं, और ये मध्यस्थता के लिए जो सरकार ने टीम गठित की थी उसको ये सैनी जी जो थे वो लीड कर रहे थे। देखा जिस तरीके से इस जगह पे हम मौजूद हैं और इसी जगह से आज देख सकते हैं कि राकेश्वर सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं। मेरे दाई ओर अगर आप देखेंगे, ये जो 20 गाँव के सैकड़ों जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, वे इसलिए बैठे हुए हैं कि राकेश्वर मनहर जो है उनकी रिहाई यहाँ पर नक्सली दे रहे हैं। मैं अपने साथी को बोलना चाहूँगा कि दिखा सकते हैं आप उस तरफ, जो नक्सली हैं वो यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं कि हमने जवानों को, जो राकेश्वर सिंह जवान था उन्हें हम रिहा कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इस वक्त बंसल न्यूज़ पर। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ नक्सली भी मौजूद हैं भारी मात्रा में, और यहाँ पर नक्सली उस जवान को रिहाई दे रहे हैं। चेतन कापेवार, बंसल न्यूज। वहीं राकेश्वर की रिहाई के बाद उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत माता के जयकारे लगाए गए और एक दूसरे को मिठाइयां बांटी गईं। उनकी पत्नी मीनू ने कहा कि ये जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन है। वहीं उनकी मां ने भी इसके लिए सरकार का आभार जताया। कोबरा फोर्स के कमांडो राकेश्वर का परिवार जम्मू के नेत्रकोटी गाँव में रहता है। वे सुरक्षा बलों के इस अभियान दल में शामिल थे जो बीजापुर सुकमा के जंगलों में नक्सलियों के खात्मे के लिए गया था। राकेश्वर 2011 से सीआरपीएफ में है और 3 महीने पहले ही उनकी तैनाती छत्तीसगढ़ में हुई थी। सरकार अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ स्टेटमेंट नहीं आ रहा था, उसकी वजह से हम परेशान थे। बट कुछ मैं भी समझती हूँ उनके कुछ सीक्रेट्स होंगे वो, जो मीडिया को या हमें वो लूज नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं उनको भी थैंक यू सो मच बोलती हूँ, अगर नहीं बताया तो उनकी कोशिशों से आज, हाँ उनकी कोशिश करने से ही आज जो है हमें मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे वापस मिले। सबसे बड़ा खुशी का दिन है आज? जी जी, लाइफ का सबसे खुश, हैप्पी डे। सबसे पहले तो बात करना चाहेंगे, हाँ सबसे पहले मैं उनका आवाज़ सुनूँ तो सेटिस्फाई हो जाऊँ। हम बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और जो छोड़ रहे हैं हम उनका धन्यवाद, जो हमारे बेटे को छोड़ रहे हैं, और भगवान का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उम्मीद थी ये जिस तरह सरकार की बातचीत हो रही थी तो भरोसा तो आ रहा था, पर ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा था। भरोसा खिलाएंगे, खुशी करेंगे, सब कुछ खिलाएंगे उनको, हाँ वेलकम अच्छी तरह करेंगे उनका। मैं यही कहूँगी कि पापा आप जल्द से जल्द आ तो गए हो और घर वापस आ जाओ। तो जब आएंगे तो क्या उनको बोलोगे, कैसे वेलकम करोगे? वेलकम करूँगी, हग करूँगी। हग करोगे? वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई पर खुशी जाहिर की और उन्होंने ट्वीट भी किया। ये हमारी रणनीतिक सफलता है जिसके तहत हमारे जो अधिकारी जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो लोग एक सफलतापूर्वक इसको क्रियान्वयन किए, और धर्मराज सैनी जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पद्मश्री हैं, और उनके अगुवाई में लोग गए थे और सकुशल वापस लौटे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि वो वापस लौटे। पूरे परिवार के लोग भी चिंतित थे, पिछले दिनों उनके माताजी से मेरी बात भी हुई थी, और इस बात की प्रसन्नता है कि वापस। तो नक्सलियों के गढ़ में पहुंचकर जवान को सुरक्षित वापस लाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। बंसल न्यूज़ के इस अभियान और कवरेज की देश भर में चर्चाएं भी रही और लोग काफी खुश भी हुए। बंसल न्यूज़ के जाबाज संवाददाता चेतन कापेवार की सराहना की कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा ने। बाकायदा उन्होंने एक ट्वीट किया और बंसल न्यूज़ के इस प्रयास को, इस अभियान को सराहा। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी हमारे काम की तारीफ की। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, एक तरफ राकेश्वर सिंह नजर आ रहे हैं और जो बाइक चला रहे हैं वो बंसल न्यूज संवाददाता है। विवेक तनखा ने लिखा है कि आज टीवी पर देखकर बहुत अच्छा लगा, देश का एक वीर जवान राकेश्वर सिंह वापस घर लौट आया है। दिल में दर्द भी है उन शहीदों के लिए जो बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए। श्रद्धांजलि के साथ ही बंसल न्यूज की टीम बधाई की पात्र है जिन्होंने पत्रकारिता का धर्म पूरी हिम्मत से निभाया और जवान को सुरक्षित लेकर आए। इधर राकेश सिंह ने भी
ट्वीट किया और लिखा कि देश की सीमाओं के पार दुश्मनों से सामना हो या फिर देश के भीतर आतंकवादी और नक्सलियों से, हमारे वीर जवान हमारे देश और देशवासियों की रक्षा करते हैं। कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब देशवासी हमारे वीर जवानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा पाते हैं। ऐसी ही एक चुनौती का सामना बंसल न्यूज के रिपोर्टर चेतन जी ने किया। स्वयं को खतरे में डालकर हमारे वीर जवान राकेश्वर सिंह को लेकर उनके घर तक पहुंचे, उनके प्रति आभार। और वे सभी जवान जिन्होंने नक्सलियों से मुठभेड़ में अपनी जान गंवाई है, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। वे वीर जवान जो लौट कर घर आए हैं, उन्हें और उनके परिजनों को शुभकामनाएं। वहीं खबर दंतेवाड़ा से, जहां नक्सलियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। पोकलेन और दो बाइक को आग के हवाले कर दिया। नरेली रेलवे यार्ड में खड़े वाहनों में आगजनी की। नरेली में रेलवे का दोहरीकरण का काम प्रस्तावित है। यार्ड में लंबे समय से पोकलेन खड़ी थी जिसमें आग लगा दी गई। दंतेवाड़ा SP ने इस मामले की पुष्टि की। चलिए छत्तीसगढ़ कोरोना हेल्थ बुलेटिन की बात कर लेते हैं। लगातार कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है प्रदेश में और स्थिति काफी बुरी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 10,652 नए केस सामने आए हैं। वहीं 72 मरीजों की मौत हुई है। दुर्ग से 2,132 मरीज मिले हैं तो रायपुर से 2,320, राजनांदगांव से 1,047, बालोद से 313, कवर्धा से 286, बलौदाबाजार से 601, बिलासपुर से 638, कोरबा से 343। प्रदेश में कोरोना के 68,000 से भी अधिक केस सामने आ चुके हैं अब तक। और एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केसेस भी लगातार 68,000 के पार हैं। हालांकि अभी तक प्रदेश में 4,07,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इधर दुर्ग जिले में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,132 केस सामने आए। वहीं 12 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। 12 महीनों में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित दुर्ग जिले से मिले हैं। तो दुर्ग पहले से ही हॉटस्पॉट बना हुआ है, यहां लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके बावजूद 2,132 नए केस सामने आए। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक यानी 10 दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर में रायपुर देश के किसी राज्य की पहली राजधानी है जहां इतना लंबा लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। सरकार ने यह फैसला राजधानी में एक दिन में 2,000 से भी अधिक मामले सामने आने के बाद लिया। पिछले 24 घंटे में रायपुर में 26 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है। राजधानी में पहली मौत 29 मई को हुई थी। इस हिसाब से 312 दिनों में रोजाना औसतन 3 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब तक के सबसे भयावह दौर में पहुंच गई है। वहीं रायपुर और दुर्ग के बाद अब 3 जिलों में लॉकडाउन लगाया जाएगा। बेमेतरा, राजनांदगांव और बालोद में भी लॉकडाउन लगेगा। 10 अप्रैल से 9 दिन का लॉकडाउन इन तीनों जिलों में लगाया जाएगा। कोरबा में दोपहर 3 बजे तक दुकानें खुलेंगी। वहीं रायपुर की शादी अंत्येष्टि में 10 लोगों को ही मंजूरी मिली है। रायपुर में पूर्ण लॉकडाउन के नियमों में आंशिक संशोधन किया गया। वहीं रेल, बस और हवाई यात्रियों को ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रा टिकट ही ई पास माना जाएगा। इधर कलेक्टर रायपुर ने ये आदेश जारी किए। दुर्ग रायपुर के बाद अब राजनांदगांव में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। जिले में 10 अप्रैल से लॉकडाउन लगेगा जो कि 19 अप्रैल तक लागू रहेगा। कलेक्टर TK वर्मा ने व्यापारी, मीडिया कर्मी और अधिकारियों के साथ बैठक में टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। जितनी पाबंदियां दुर्ग और रायपुर में हैं, ठीक उतनी ही पाबंदियां राजनांदगांव में भी रहेंगी। इस दौरान बैंक बंद रहेंगे, सब्जी से लेकर किराना दुकान भी बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल, पेट्रोल पंप संचालकों को लॉकडाउन में छूट रहेगी। वहीं जरूरतमंदों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। प्रशासन की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, राजनीतिक दलों और समाज सेवियों की एक बैठक रखी गई थी और जिसमें वर्तमान में ज़िले में जो कोरोना की स्थिति है उसको लेकर चर्चा की गई और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कड़े प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत 10 तारीख दोपहर 12 बजे से लेकर 19 तारीख को सवेरे 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन की स्थिति रहेगी। जैसा राजनांदगांव शहर में जो बढ़ती हुई कोरोना का संक्रमण हेतु 10 तारीख से यहाँ पे पूरा लॉकडाउन घोषित किया गया है, जो जो निर्देश का जो भी जो निर्देश मिल रहा है उसका कड़ाई से हमारा पुलिस विभाग के द्वारा पालन किया जाएगा, जितने भी पूरा लॉकडाउन, क्योंकि ये चेन ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, तो कोई इसी के अंतर्गत हम लोग का पूरा जन लोगों से भी सब लोगों से भी अपेक्षा ये है कि इसका जो है सफल बनाए और पुलिस देखेंगे बहुत कड़ाई से ये लॉकडाउन का पालन किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई वर्चुअल बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने एक मांग की। उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक सप्ताह की जरूरत की वैक्सीन एडवांस में उपलब्ध कराने की मांग रखी है। दवाइयों और उपकरणों पर जीएसटी की दर कम हो, साथ ही 1000 बिस्तरों के आईसीयू की स्थापना के लिए भी केंद्र सरकार उन्हें सहायता दे, इस बात की उन्होंने मांग रखी। बता दें आपको, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। प्रदेश में अब तक 33,61,000 वैक्सीन की डोज दी गई। इधर छत्तीसगढ़ में तेजी से फैलता कोरोना परेशानी का सबब बना हुआ है। बढ़ते आंकड़ों को लेकर रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी भावुक हो गए। उन्होंने भावनात्मक अंदाज में हाथ जोड़कर सीएम से अपील की है और कहा कि एक बार टीवी पर आकर सब ठीक होने का भरोसा दिला दें, प्रदेश में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सांसद सुनील सोनी ने आगे कहा कि सीएम भरोसा दिलाएं कि प्रदेश में मरीजों के लिए अब बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की कमी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना बढ़ रहा है और इस कोरोना के बढ़ने के बाद भाजपा मैदान में उतर गई है और इसके लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। ये कमेटी किस ढंग से काम करेगी और क्या इसका उद्देश्य होगा, इस बारे में बात करेंगे हम। सोनी जी, हम देख रहे हैं कि एक कमेटी आप लोग की ओर से बनाई गई है, क्या ये काम करेगी? कांग्रेस इसे राजनीतिकरण करार दे रही है, एक तरीके से राजनीतिक लाभ लेने की आप लोग इस कमेटी के जरिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब कोई सरकार हाथ उठा दे तो एक विपक्ष का धर्म होता है कि सड़क पे आना, लोगों की सेवा करना है। और एक सांसद होने के नाते मैंने कलेक्टर से भी कहा है और सार्वजनिक रूप से भी कहा है कि सरकार को जो सहयोग है हमसे मांगे, हम राजनीति नहीं करना चाहते। जब पूरा छत्तीसगढ़ सड़क पे आ गया, इलाज के लिए तड़फ रहा है, तो ऐसे समय राजनीति हमारा धर्म नहीं है, सेवा हमारा धर्म है और ये सेवा के माध्यम से ही हम काम करना चाहते हैं। अब तक की मॉनिटरिंग में क्या पाया है? सरकार अपनी ओर से व्यवस्था का दावा कर रही है, कितनी उन दावों में सच्चाई है? देखिए, मुख्यमंत्री जी टीवी में आए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि सांसद होने के नाते मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ, विनम्र आग्रह कर रहा हूँ, एक बार टीवी चैनल में आए और लोगों को विश्वास दिलाए कि सरकार जो है व्यवस्था खड़ा कर रही है, घबराने की जरूरत नहीं है, केवल इतना बोल दे वो और बोल के और क्या क्या कर रहे हैं ये बता दे। हम इतना ही बात करना चाहते हैं उनसे, हम इसमें आलोचना तो नहीं है। मुखिया हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो टीवी चैनल में आके और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बोले कि मैं ये व्यवस्था खड़ा कर रहा हूँ, किसी को डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, पैसे की कमी नहीं होगी, इलाज की कमी नहीं होगी, इस बात का आश्वासन दें और विश्वास दिलाएं। बिल्कुल, तो जहां कोरोना को लेकर व्यवस्था की बात उठ रही है वहां भाजपा ने अपनी ओर से कमेटी बनाकर इस बात की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है कि कहां पर क्या खामी है और जहां खामियां हैं उन्हें ध्यान दिलाकर कोशिश ये है कि उन सारी चीज़ों को दूर किया जाए। कैमरामैन योगेश राव के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर। वहीं कांकेर जिले में बढ़ते कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त है। कलेक्टर के आदेश जारी होने के बाद पखांजूर में साप्ताहिक बाजार बंद किया जा रहा है। यहां गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए प्रशासनिक टीम के साथ एसडीएम और तहसीलदार सड़क पर उतर आए। लोगों को जागरूक करने के साथ मास्क नहीं पहनने वालों से 500-500 का चालान काटा गया। साथ ही सर्दी खांसी की दवाई बेचने वाले कई मेडिकल स्टोर पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया।
दस दिन से लगातार हमारी माइकिंग हो रही है, मुनादी हो रही है क्षेत्र में, छोटी छोटी बैठकें लेकर के हम समझाइश दे रहे हैं। आज नियमानुसार हमने चालानी कार्रवाई प्रारंभ करी है और दो दुकानों को भी जो मेडिकल शॉप्स हैं उनको भी हमने फाइन लगाया है, क्योंकि उन्होंने सर्दी खांसी की दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे दिया, बिना डॉक्टर के पर्ची के, तो 5,000 रुपये फाइन लगाए हैं और लोगों पर 500 रुपये या 200 रुपये का जुर्माना लेकर के हम मास्क पहनने की समझाइश दे रहे हैं। खबर कोरबा से, कोरबा के मिनी माता बाघो बांध में तीन युवकों के फंस जाने की खबर मिल रही है। खबर है कि यहां तीनों ही युवक घूमने के लिए गए थे और सेल्फी लेने के गए थे। सेल्फी लेने के चक्कर में ये तीनों युवक वहां पर फंस गए, क्योंकि बांध में अचानक से पानी का लेवल बढ़ गया। पानी का स्तर बढ़ जाने से युवकों को वापस लौटने में काफ़ी परेशानी हुई। हालाँकि युवकों को सुरक्षित उनका रेस्क्यू किया गया, तीनों युवक बाल बाल बचे।